हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है उन भाइयों के लिए जो कि लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप की स्पीड्स बढ़ा सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल्स नॉलेज कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने के लिए पहले आपको बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि आपके पास इस तरह की नोटिफिकेशन पहुंचे। और टेक्निकल चैनल से जुड़ने के लिए आपका स्वागत है दोस्तों। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम ऐसे ही मेजर ट्रिक्स, ट्रिप्स, मनी मेकिंग ट्रिप्स, ब्लॉगिंग ट्रिप्स, टेक्निकल ट्रिप्स लेकर आते रहते हैं इस चैनल पर। सो हमारी मेजर ट्रिक्स जो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रहती हैं, पहले आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और धड़े वीडियो को अभी लाइक करें। तो ये स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जब भी कि आप कभी लैपटॉप्स या कंप्यूटर चलाते हो तो काफ़ी ना काफ़ी पुराना हो जाता है। पुराना होने के बाद एक उसकी बैटरी लाइफ काफ़ी कम हो जाती है दोस्तों, और एक उसकी स्पीड पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अभी देख रहे हो डेल लैटिट्यूड है हमारे पास, जो कि काफ़ी पुरानी बट इसको 1.5 साल हो चुका है लिए हुए। सो अभी इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होने लग चुकी है, बट हमें इसकी ट्रिक्स पता है तो स्पीड बूस्टअप हो जाती हैं, जिसे कि हम काफ़ी टाइम से यूज कर रहे हैं और इसी से काफ़ी फ़र्क पड़ रहे हैं हमारे लैपटॉप पर। हमारे पास डेल का है, अगर आपके पास डेल का है तो ये आपके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी होने वाली है आपके लिए। सो फर्स्ट एक टूल्स मिलेगा आपको, सर्च माय फाइल्स, इसका नाम है सर्च माय फाइल्स। सो इसको हमने ऑलरेडी पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है ई फोल्डर के अंदर। सर्च माय फाइल्स आपको ये जस्ट दिखा देता हूँ कितने के बी का है, 89 KB का है, बहुत ही कम सॉफ्टवेयर है। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और ये सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में जितने भी ओल्ड पुराने या काफ़ी टाइम के कॉपी वायरस होंगे, जो कि अनडिलीटेड फाइल होंगे, वो इससे डिलीट नहीं होते। तो दोस्तों, ये उन चीज़ों को डिलीट करने में पूरी आपकी मदद करेगा, और इसमें कुछ करके दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे अभी इस तरह से ये ओपन हो चुका है, फर्स्ट आपने सर्च मोड पे आपने इसको यहाँ से चेक कर लेना है। स्टैंडर्ड सर्च करना चाहते हैं आप या डुप्लीकेट सर्च करना चाहते हैं, डुप्लीकेट सर्च करना चाहते हैं, और आप यहाँ से वो ड्राइव सेट कर लीजिए। अगर आप पेन ड्राइव इसमें लगाना चाहते हो, पेन ड्राइव का भी कर सकते हो आप, डुप्लीकेट फाइल डिलीट, और हम यहाँ ई का करना चाहते हैं तो, और यहाँ बेस फोल्डर में जाके आप उस फोल्डर का नाम सर्च कीजिए, और इसमें भी आपको ई एस ट्रेंशन डाल देनी है इस तरह सेट करके, और ये आपका हो गया। यहाँ फोल्डर का इंक्लूड फोल्डर कर सकते हो आप, यहाँ इसके साथ जितने भी करना चाहते हैं। फिलहाल हम इसमें कुछ करना नहीं चाहेंगे, और इसमें नीचे रहता है फाइल विजिट्स। फाइल विजिट में भी आप ये कर सकते हो, नाम दे सकते हो उनका, किसी को डिलीट करना चाहते हैं। बट यहाँ सर्च कर दिया आपने ऊपर, ये यहीं से ही सर्च कर लेता है सभी को। और इसमें एक चीज़ और थी, अब यहाँ 8 लेटेस्ट पे डालोगे, 8 मोस्ट पे डालोगे, यहाँ डाल साइज डाल सकते हो आप कि कितना तक है ये। हम यहाँ से 0 से लेकर ऑलमोस्ट 1000 MB तक का ये हमें डुप्लीकेट फाइल्स ला कर देगा। ये आप यहाँ सर्च कर सकते हो इस पर क्लिक करके, 100 MB तक का। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, और यहाँ टाइम्स आप सेट कर सकते हो। मैं तो ये करूँगा आपको कि टाइम्स ना सेट करें, और फिर और अगर आप यहाँ 100 फाइल्स चाहते हैं, 100 फाइल्स नहीं तो 1000 पे सेट करके
आप जितने अकॉर्डिंगली आप चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। और साइट में यहाँ स्कैंस का जो ऑप्शन आता है इसको अनलिमिटेड ही रहने दें से। देन आपको सर्च स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। सो इस तरह से आपकी ये फाइलें ढूंढना स्टार्ट कर देगा। बट अभी हमारे इसमें कोई वायरस है नहीं, तो अभी ये कोई फाइल काम भी इतना सही से नहीं करेगा, क्योंकि देख रहे होंगे अभी कोई वायरस नहीं है। सो इस तरह से आपके सिस्टम पे होगा तो आप इस चीज़ से जरूर चेक कर लेना। ये नहीं कि आप डुप्लीकेट में ही और अन चीज चेक कर सकते हो। डुप्लीकेट नेम सर्च और फिर सर्च शो पे कर सकते हो। अब ये सर्च करना स्टार्ट कर देगा। सो अब इस तरह से चेक कर सकते हो इनको सभी को, क्योंकि अभी हमारे इसमें इनकेस कुछ है नहीं। यहाँ आप अगर कोई भी फाइल्स चाहते हो तो txtt कोई इसको रहने दें, अदर कोई सभी को लाकर दे देगा आपके पास। सो इस तरह से आप चेक कर सकते हो अपने, क्योंकि अभी हमारे सिस्टम पे कोई वायरस नहीं है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिसकी मदद से आप हम अच्छे से अपना लैपटॉप वर्क कर रहे हैं। सेकंड है आपने विंडो आर का ऑप्शन होता है उसको क्लिक करना है, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली विंडो पे क्लिक करके यहाँ आर का बटन क्लिक करोगे आपके पास इधर की ऑप्शन आ जाएगी। अगर इससे पता नहीं लगा तो विंडो का ऑप्शन सभी के सिस्टम पे होता है। विंडो का बटन विंडो को प्लस प्रेस करके विंडो आर कर देना है। आपके पास रन की कमांड आ जाएगी। रन में आपने फर्स्ट लिखना है TEMP, इसको क्लिक करना है। कंट्रोल आल करके सभी डिलीट कर देना है, आपको स्किप करके सभी को डिलीट कर देना। और ये जो फाइल्स बची हैं ये डिलीटेड फाइल हैं, सो ये चीज़ उनको डिलीट करने में आपकी बहुत मदद करेगा बाद में। सो इस तरह से आपने ये चीज़ें करनी है और फिर विंडो आर दबाना है। विंडो आर दबाने के बाद आपको TMP% पे क्लिक करना है। ओके, सेम प्रोसीजर, कंट्रोल आल डिलीट ट्राई स्कीप स्कीप फिर विंडो आर, उसके बाद इसको क्लिक करना है आपने। स्पेलिंग्स को बिल्कुल सही से जाना है दोस्तों। फ्री वेज इसको क्लिक करना है। कंटिन्यू, जस्ट पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डन। उसके बाद कंट्रोल ऑल डिलीट्स। ये पासवर्ड दोस्तों हमने अपना खुद ही सेट किया हुआ है, आप कहीं इसमें पासवर्ड नहीं रहेगा। सो उसके बाद चेक करते हैं कि ये अभी शो कर रहा है कोई डुप्लीकेट्स फाइल्स। अभी हम सीख तो ही हमने ई ड्राइव ही सेट की हुई है। देन आपका जो सभी कुछ वायरस है वो रिसाइकर बिन में सेव हो जाएगा। देन आपको उसको आप रिसाइकर बिन से उसको रिस्टोर कर सकते हो, नहीं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। देन आपको इमिलिटी पे आपको क्लिक करना है। इस पर जाके आपका सारा वायरस डेटा जो भी है डिलीट हो जाएगा, इससे कि आपकी लैपटॉप की स्पीड से ना कि बढ़ेगी और रैम पे इसका फ़र्क पड़ता है। और रैम भी बिल्कुल साफ रहेगी जिससे कि आपका कंप्यूटर फास्ट चलेगा। हाँ, जो डेस्कटॉप पे आप रखते हो उनसे तो खैर आपकी रैम से भरती है, लेकिन जो चीज़ें रहती हैं काफ़ी रहती हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट से काफ़ी सेव फाइल रह जाती हैं और रिसाइकल भी में सेव हो जाती हैं। इसको हमेशा ही इम्प्लेट ही करते रहें दोस्तों, क्योंकि यूजफुल चीज़ें आप डेस्कटॉप में या फिर अपना ई डिस्क या डी डिस्क में रखें, जिससे कि आपको कंप्यूटर चलाने में आसानी हो और आपका कंप्यूटर लाइफ टाइम कंप्यूटर की लाइफ आगे से आगे बढ़ जाए। और बैटरी की पावर कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप की बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।